Today we were at thermodynamic second law and more of the one statement, and then we'll continue with entropy. Okay. So the next statement is all spontaneous process. जो भी spontaneous process हो रहे हैं बेटे, वो तभी हो रहे हैं because there is increase in entropy. इसका मतलब ये यूनिवर्स की, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है. जब टीचर बाहर जाते हैं, यू स्टार्ट टॉकिंग द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करती है. ठीक है, मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इट इज यूज टू कन्वर्ट टोटली इंटू वाटर. ठीक है, somewhere there is some effect, like their effect must be there is change in entropy, there is increase in randomness. ठीक, we can't say that the heat supply to a system is definitely used to obtain some kind of work. ठीक, it is used somewhere also like increasing entropy. So we can't say that the when it will be changing into work done, there will be no such kind of any effect anywhere. Okay, so there must be some kind of effect left, like entropy. Means humne second law se kya sikha bete, we have ye sikha ki chahe jo energy hai, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, दैट इज कंजर्व एनर्जी. हम कहते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ही हमें फर्स्ट लॉ ने सिखाया. मगर सेकंड लॉ ने ये सिखाया कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस टेंड टू बी मैक्सिमम. ओके, सो इट टेंड टू बी मैक्सिमम. यू कांट से दैट इफ द universe is going toward the minimum energy, they want to stay in the minimum energy. Yeah, energy can't be created nor be destroyed. One form of energy can be created to other form of energy, it can be converted, but in the same way entropy of the universe is increasing. ठीक है, हम देख रहे हैं population increase हो रही है, vehicles increase हो रहे हैं, सिस्टम्स में इंक्रीजमेंट आ रही है, हर तरफ हर चीज इंक्रीज हो रही है. सो दैट इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस. एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होती है. एनर्जी को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मगर जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की बेटे, वो हमेशा इंक्रीज करती है. ठीक, ये दोनों अगर लॉस को कंबाइन करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है. ओके, तो नाउ spontaneity in terms of entropy. अब देखो, अगेन हम थर्मोडाइनमिक में सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं. ठीक है, तो टोटल जो एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बोलेंगे. ठीक है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग. ठीक है, टोटल एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की ऐड करोगे तो देयर विल बी अ टोटल एंट्रोपी. ओके, अब मान लो कि एक सिस्टम में अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो या एंट्रोपी दे रहा है, उसकी हीट जो एंट्रोपी है वो कम हो रही है. तो एंट्रोपी हमने क्या बोला था, इट इज क्यू अपॉन टी. ठीक है, यही हमने एंट्रोपी बोला है. तो अगर डेल्टा एस टोटल हम करें तो इट मींस अगर सिस्टम की क्यू अपॉन टी है, दिस इज ऑफ सिस्टम, ये पॉजिटिव में है, तो सराउंडिंग की क्या हो जाएगी बेटे, नेगेटिव में. ठीक है, इट विल बी नेगेटिव, मींस सराउंडिंग देगा सिस्टम को. अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव. इसका मतलब सराउंडिंग की हीट क्या हुई है, लॉस्ट हुई है. ओके, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल डेल्टा एस. अब मगर हम ये क्या कहते हैं,
कि जो टोटल डेल्टा एस है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सिस्टम और सराउंडिंग की, ठीक है, डेल्टा एस फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सिस्टम और सराउंडिंग की वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। मीन्स टोटल, ये नहीं कि सिस्टम की ज्यादा हो या सराउंडिंग की ज्यादा हो, अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मीन्स कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो इस यूनिवर्स की हम ये कहें कि जो डेल्टा एस है वो टोटल डेल्टा एस शुड बी मोर देन जीरो, ठीक, नॉट ओनली द सिस्टम, नॉट ओनली द सराउंडिंग, बट टोटल डेल्टा एस मीन्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ दिस यूनिवर्स शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, दैट इज डेल्टा एस टोटल शुड बी इंक्रीज। वी कैन से दिस, अगर आपकी डेल्टा एस डिक्रीज करती है मीन्स लेस देन जीरो है, तो इट मीन्स द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या क्राइटेरिया आपका, अगर चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन जीरो, ठीक, एंड इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर रैंडमनेस चेंज हो रही है, चेंज नेगेटिव में हो रही है, मीन्स रैंडमनेस कम हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो रैंडमनेस वाला क्राइटेरिया, इट इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द अट्रैक्शन। अगर चेंज इन एंट्रोपी जीरो है तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, इट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब बेटे सम ऑफ द फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्वड एंड दिस आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गिव द आंसर्स, ठीक है। अगर वाटर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है, इफ वाटर लिक्विड इज गोइंग टूवर्ड्स द सॉलिड, देन हाँ जी, एंट्रोपी सिस्टम की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेट मी ओपन चैट बॉक्स। यस समृद्धि, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, एंड लेट मी नो दैट। हाँ जी, अब इस सेक्शन में आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, टेल मी। यस, in this direction the entropy is increasing or decreasing, and even you can write even in the chat box, the chat box is open, only 19 are there. Yes bete, if liquid is changing into the solid, then the molecule will come close or they will randomly move here and there, obviously they will move close towards each other, means entropy will decrease, randomness will decrease, okay, so randomness will decrease and thus the entropy will also be decreased, theek hai, okay, now you have so many bitte types are given in NCERT, I am taking few of it, ठीक है, नाउ लेट मी नो दैट हियर एंट्रोपी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हरी अप, हियर इज एंट्रोपी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आयंस अलग अलग थे, पहले आयंस अलग अलग थे, आपने वाटर में डाले, ये हाइड्रेट, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, छह वाटर क्रोमियम के अराउंड आ गए हैं, अब एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आई हैव गिवन यू द आंसर्स। हाँ यस बेटे, अदिति, अर्शदीप, असीस, दिव्यांशी, गुरसीरत, हर्षवर्धन, जपन ज्योत, जतीन, यस यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बेटे, हरी अप, एंट्रोपी कावेज गिविंग आंसर ओनली इंक्रीज, यस, और दिव्यांशी इज ऑल्सो सोइंग इंक्रीज,
और it will decrease why it will not why it is increasing bete agar aap chromium hai alag alag ions pade hain aur water molecule alag alag hain ab aapne water ko six water molecule ko jod diya inke sath bete jab tak wo alag alag hain ab pins hain alag alag padi hain unme entropy zyada hai wo move kar sakti hain जब आप उनको मैग्नेट के साथ जोड़ दोगे वहां पे कहां उनमें रैंडमनेस रहेगी, वो तो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, दे बिकम ऑर्गेनाइज्ड, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, इट विल नॉट इंक्रीज। एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस, बिखरापन, हिलजुल। तो जितने बिखरे होंगे ना, डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी की डेफिनेशन ये कहते हो आप बेटे, इट इज इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर ही है, ऑर्डर में कौन रहना चाहता है आजकल, है ना। तो एंट्रोपी इंक्रीज ही हो रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन इन द ऑर्डर। ऑर्डर में एनर्जी कम होती है, सॉलिड स्टेट में इट इज ऑर्डर, लिक्विड स्टेट ऑर्डर कम होता है, सॉलिड में और कम हो जाता है ना। तो जब ये अब वाटर मॉलिक्यूल जब सिक्स लग जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ हाइड्रेटेड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट विल नॉट रिमेन एज सच, तो एंट्रोपी विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज। गॉट इट? ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जांपल, H2 गैस है और ये 2H एटम है, वो भी गैस है। अब बताओ एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? हरी अप। यस एवरीवन, कम आउट फ्रॉम योर क्विल्ट्स एंड गिव द आंसर, हरी अप, जल्दी इंक्रीज इंक्रीज। यस नो, नाउ इट विल बी इंक्रीज। बेटे गैस एक मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल बना हुआ था और ये क्या बन गया, एटम, ये अलग अलग हो गए, दो एटम बन गए, एक ये बन गया एक ये बन गया। पहले आपने बांधा हुआ था, अब आपने अलग कर दिया। तो जब आपने अलग किया तो एंट्रोपी क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई। इट विल नॉट डिक्रीज बेटे, इट विल नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज। जितना आप अलग अलग करोगे मॉलिक्यूल को, आप एटम की फॉर्म में लेके जाओगे, इट विल सर्टेनली इंक्रीज, ओके, इट विल नॉट डिक्रीज नाउ, ओके। अच्छा, इफ यू हैव इजी वन लेते हैं, यू आर कन्वर्टिंग स्टीम इनटू वाटर, नाउ टेल मी एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हरी अप, स्टीम इनटू वाटर यू आर कन्वर्टिंग, इट विल डिक्रीज। यस, स्टीम इज इन द गैसियस स्टेट, काइनेटिक एनर्जी इज मोर, एंट्रोपी विल बी मोर। वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट, सो इट विल बी हैविंग लेस एंट्रोपी। सो मेनी बेटे, अप्रोक्सीमेटली 11 ऑफ दिस काइंड ऑफ गिवन इन योर एनसीईआरटी, just check it out and you have to do this type of question, okay। Now let us move towards next concept, that is Gibbs free energy. It is very very important concept and it will be continued to class 11th in some of the chapter, theek hai, so you should be aware of this concept. So this is very important concept for you, and let us start now concept of Gibbs free energy, delta G ya G, theek hai, and free energy change,
gives free energy या free energy change nothing, ये भी हमें एक thermodynamic quantity है जो हमें किसी reaction का spontaneous होना बताती है। देखो S अकेला criteria नहीं है बेटे, हमने पहले भी ये कहा कि कोई भी reaction का spontaneous होना वो सिर्फ entropy पे depend नहीं करता, maximum randomness पे depend नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टू अटेन द मिनिमम एनर्जी। तो जब एनर्जी की बात करते हैं तो हम एंथैल्पी की भी बात करते हैं साथ में, तो इसका मतलब हम एंथैल्पी और एंट्रोपी को एक इक्वेशन में लेके आना चाहते थे। वो क्या इक्वेशन है, जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी एक एनर्जी, एक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी है जो जिसका रिलेशनशिप ऐसे आता है, ठीक है, और वो हमें क्या बताती है, वो हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। अब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब उसमें से एनर्जी निकलेगी, मींस जो एच है वो नेगेटिव में जाएगी और जो आपका एंट्रोपी है वो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी। हमने स्पॉन्टेनिटी की टू क्राइटेरियाज करे थे बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड लॉ कि रिएक्शन इज नॉट ओनली स्पॉन्टेनियस बिकॉज ऑफ मिनिमम एनर्जी और अटेनमेंट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रैंडमनेस आल्सो। सो वी आर, लेट अस कंबाइन दीज टू एंड गेट दिस इक्वेशन एच माइनस टी एस दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। What the point बेटे, gives free energy. Now this is simple gives free energy. मगर जब हम reactions की बात करते हैं during a process, तो हम change in gives free energy देखते हैं. We will see change in entropy. There is a change in enthalpy. There is a change in entropy. There is change in gives energy. अब ये जो इक्वेशन है जो हमें बताएगी कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसे आप कहते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, ओके, राइट डाउन लाइक दिस, ओके। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा बेटे कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, गिब्स हमें क्या बताती है, ओके, ठीक है। हमने दोनों चीजों को हमने कंबाइन करके अब बताना है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। व्हाट द पॉइंट, any doubt, it's very important bete, this concept is very important, if you have any doubt you can ask, theek hai, okay, theek hai। now what is the significance of g, ab ye g ka kya significance hai, g hame kya batati hai, let us see, g hame batati hai maximum work, work of known expansion, hello, significance of g, ठीक है, that is significance of Gibbs free energy, ठीक है। अब ठीक है, हमने first law of thermodynamics कर लिया, first law of thermodynamics में क्या आता, delta u is equal to q plus w, means Q will be is equal to delta U minus W. Now minus W में दोनों work done जाते हैं, work of expansion and work of non-expansion. अब ये work of expansion and work of non-expansion क्या है, let me take an example and tell you. एक पे लिख लो, ठीक है, then I am explaining you, okay, ठीक है, यहाँ पे भी वो भी है, यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब समझो इस बात को, मान लो आप किसी चीज की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, मान लो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है,
अब जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो आप एनर्जी दोगे, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो जो एनर्जी आपने यूज करवाई वाटर को तोड़ने के लिए, ठीक है, हमने तो तोड़ना ही था, हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाटर को तोड़ के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ऑब्टेन दैट ओनली, ठीक है। अगर हम वही ऑब्टेन करना चाहते हैं इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, तो इसे कहते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन होना। वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या है? प्रेशर इनटू डेल्टा वी, ठीक है, मींस वॉल्यूम का चेंज होना, वो तो हो गया वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, जो गैसेस बनी। मगर जो जो असली में वर्क डन है, असली में वर्क डन क्या है कि हमने एनर्जी दी और वाटर टूट गया, हमने एनर्जी दी और वाटर टूट गया, वो वर्क है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, जो तोड़ने में हेल्प किया वो इट इज असली वर्क डन। गेटिंग माई पॉइंट? वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या है? पी डेल्टा वी, जब हम गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम गैसेस के अलावा अगर किसी चीज की इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो जब वो जो आपने एनर्जी दी है वो किस में चेंज होगी? वो चेंज होगी आपकी जी उसको तोड़ने में। वही तो हम चाहते थे, वही तो मेन चीज हम चाहते थे, हमें क्या लेना एक्सपेंड करवा के। गॉट इट? तो देयर इज टू टाइप ऑफ वर्क डन, वन इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड अदर इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंक्रीज होने के कारण जो आपकी चेंज इन वॉल्यूम हुई है, एंड वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन क्या है? वो यूजफुल वर्क जो आपने एनर्जी दी जिस एनर्जी के कारण आपका वाटर टूटा, दैट इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। एनी डाउट टिल हियर? फिर आप आगे आपको समझ आएगा। हाँ जी, एनी डाउट? यू ऑल आर देयर? यस, अबे, अदिति, अश्री, आशीष, गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड व्हाट इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन? एवरीवन? यस, चलो लेट अस सी, एग्जाम में पता चलेगा कि आपने कितना ऑनलाइन सुना, ठीक है। अब हमने अभी डेल्टा एस क्या बोला? व्हाट वी हैव सेड, डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्यू की जगह पे टी डेल्टा एस पुट करनी है, क्योंकि हमने गिव्स में जो चीज है वो डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी में जो इक्वेशन है वो टी डेल्टा एस के साथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, ये बोल सकते हैं हम। अब इस क्यू की जगह पे इस इक्वेशन में आप टी डेल्टा एस पुट कर दो, इजंट इट? तो इस इक्वेशन में हम टी डेल्टा एस पुट कर दें और डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ना, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वो क्या है? डेल्टा एच नहीं है, इंथेल्पी नहीं है, ठीक है, डेल्टा यू प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन है बेटे पी डेल्टा वी, ये भी मैं कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टी डेल्टा एस ले, ठीक है, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया और आई विल गो ड्रिंक हेयर डेल्टा एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ठीक है, प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन मीन्स अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, या मैं क्या करूं, इसको इस तरफ ले जाऊं और इसको इस तरफ ले जाऊं, तो मेरे पास ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो दैट इज वर्क डन ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ व्हाट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस? अभी हमने लिखा दैट इज अ गिब्स एनर्जी, तो
डेल्टा जी नेगेटिव वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ठीक है, इट इज अ नेगेटिव वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, गॉट इट? और वी कैन सी नेगेटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, हम ये भी तो कह सकते हैं, ठीक है? मीन्स हम ये कहेंगे कि अगर देयर इज डिक्रीज, माइनस का साइन का मतलब है अगर गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, हमें क्या आएगा? यूजफुल वर्क डन, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन हमारा क्या है? दैट इज यूजफुल वर्क डन, उसने ही तो तोड़ा है, बाकी तो एक्सपेंड ही करने में यूज हो गया, ठीक है, बाकी तो एक्सपेंड करने में यूज हो गया, ठीक है, ओके। बेटे नहीं, नेगेटिव में नहीं होगा अर्शदीप, व्हाट यू आर आस्किंग, देखो जब कोई चीज एक्सपेंड होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है, ठीक है, डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू है, जब आप क्यू निकालोगे तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नहीं हो जाएगा अर्शदीप? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो जब आप क्यू निकालोगे बेटे वो साइन चेंज हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ आई इतनी बात, ठीक है बेटे? जो सिस्टम का अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो रही है, दैट इज योर यूजफुल वर्क डन, दैट यूजफुल वर्क डन इज वर्क डन ऑफ नॉन एक्सपेंशन, इट इज वर्क डन ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ओके बेटे, एनी डाउट, अदर डाउट? यस, डन, ठीक है, अच्छा, अगर हम ये कब निकाला, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करी, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसी वर्क डन को कैसे निकालते हो? एन ई एफ, ठीक है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है, यू विल डू इन इलेक्ट्रोकेमिकल जब हम करेंगे, एफ फैराडे कॉन्स्टेंट है, ई ई नॉट है, रिडक्शन पोटेंशियल है, हम ट्वेल्थ में करेंगे, ठीक है, दिस इज इन ट्वेल्थ, यू विल डू, दैट इज वर्क डन, द मैक्सिमम वर्क डन, यहाँ पे नेगेटिव कर लो, क्योंकि नेगेटिव यहाँ यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ठीक है, बात समझ आई? और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल कम एज सच एंड यू विल बी टोल्ड टू प्रूव दैट हाउ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन, सो यू विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन, गॉट द पॉइंट? इट इज द वर्क डन विच इज एक्चुअली नीडेड, नॉट टू इंक्रीज द वी कैन से वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, एंड वो हमने डेल्टा एच की इक्वल इक्वेट कर दिया, ठीक है, कुछ और डाउट हो बेटे पूछ लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिर मैंने आगे चलना है, ठीक है, सो इट इज आई थिंक टाइम इज गोइंग टू बी अप एंड हैप्पी लोडी टू ऑल ऑफ यू.